मतलब फिर दो टाइप की मार्केट हुई, एक होती है स्पॉट मार्केट, एक होती है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट मतलब आज की डेट में पेमेंट करनी है, आज का रेट क्या चल रहा है उस रेट पे पेमेंट होगी ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट स्पॉट मार्केट। 3 महीने बाद करनी है, करे कोई टेंशन नहीं है, 3 महीने बाद देखेंगे। अब 3 महीने बाद वाला आ गया, आज बताओ क्या रेट चल रहा है, चलो पेमेंट करें। तो दैट इज स्पॉट मार्केट, ऑन द स्पॉट जो रेट चल रहा है उस रेट पे ट्रांजैक्शन हो रही है। आज अगर आपने ऑनलाइन कोई ऑर्डर करा बाहर पेमेंट सही करना है है, किसी फॉरेन कंट्री में, तो आपको जो रेट लगता है वो होता है स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट रेट, कि अभी ये रेट चल रहा है। फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड मार्केट होती है, जैसे कि मैंने आपकी पेमेंट 3 महीने बाद करनी है, आज डिसाइड होगा कि 3 महीने बाद मुझे आप क्या रेट कोट करेंगे, उस रेट को आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट, इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच द रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, जनरली अ टाइम ऑफ टू बिजनेस। तो वो तो नॉर्मल सी बात होती है कि आज जो रेट चल रहा है वो 2 दिन में रिफ्लेक्ट करेगा। जनरली अ टाइम ऑफ टू बिजनेस डेज इज परमिटेड टू सेटल द ट्रांजेक्शन, कि चलो आपने मेरे $1 मिलियन देने हैं, ये रेट चल रहा है, इस रेट को फ्रीज किया जाए, इस रेट को फ्रीज किया जाए, आपके पास 2 दिन का टाइम है। अब 2 दिन में जो मर्जी वेरिएशन हो उस रेट पे पेमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो 2 दिन का टाइम है, तो वो देख कह रहे कि इतना टाइम दिया जाता है, कैसे नहीं 2 दिन बाद 75 का हो गया, तो अब कह रहे कोई बात, आप कह रहे मुझे तो डॉलर चाहिए, मुझे तो डॉलर चाहिए, आप मुझे डॉलर दे, ठीक है ना। तो पॉइंट ये कि ऑन द स्पॉट, इवन कि चलो अभी अभी सामान हाथ नहीं लगाने का, नहीं, ऑन द स्पॉट मतलब इमीडिएटली, बट 2 वर्किंग डेज आर जनरली ग्रांटेड टू मेक द पेमेंट। थियोरेटिकली स्पॉट मार्केट इज ऑफ डेली नेचर एंड डील्स ओनली इन स्पॉट ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरन एक्सचेंज, नॉट इन फ्यूचर ट्रांजेक्शन। द रेट ऑफ एक्सचेंज विच प्रिवेल्स इन द स्पॉट मार्केट इज टर्म्ड एज द स्पॉट एक्सचेंज रेट। द टर्म स्पॉट ट्रांजेक्शन इज अ बिट मिसलीडिंग, इनफैक्ट स्पॉट ट्रांजेक्शन शुड नॉट मीन, मतलब कह रहे कि सिर्फ वही नहीं, मैं ना ऑन द स्पॉट यस वो तो है ही है, बट 2 बिजनेस डेज उसको थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बढ़ा देते हैं। तो कह रहे 2 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना फ्यूचर मत मान लेना, उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मत मान लेना, कह रहे इतना चलेगा ऑन द स्पॉट। ओके यस ऑन द स्पॉट, बट इट डज नॉट लिटरली मीन्स कि राइट नाउ यू हैव टाइम पीरियड ऑफ अप टू 2 बिजनेस डेज। अ 2-डे मार्जिन इज अलाउड एज इट टेक्स 2 डेज फॉर पेमेंट्स टू बी मेड थ्रू चेक्स, क्लियरिंग में इतना टाइम लग जाता है, कभी कुछ होता है, कोई डाउट। बट स्पॉट मार्केट मतलब आज की डेट में जो रेट चल रहा है ट्रांजैक्शन उसी रेट पे होगी। फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट, जनरली टाइम पीरियड ऑफ 1 2 3 मंथ्स, मतलब लंबा पीरियड। तो 2 डेज कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान लिया जाएगा, वो स्पॉट मार्केट में ही कवर हो जाएगा। तो क्या है ये फॉरवर्ड मार्केट? फॉरवर्ड मार्केट रेफर्स टू द मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरन करेंसी सेटल्ड ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। आज हम पढ़े हैं फॉर एग्जाम्पल 20 अगस्त को, तो चलो जी 31 दिसंबर को मैं आपको $1 मिलियन की पेमेंट करने वाला हूँ, सामान आप डिलीवर कर देना, बताओ डॉलर का रेट क्या रखे। हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना, एस्टिमेट करना पड़ेगा। उसने कहा डॉलर का रेट चल रहा है 83 83, ओके है। अब हमारे आपस का एग्रीमेंट हो गया ना 83। अब देखो इंसान तो ये डीलिंग कर नहीं सकते, तो इसमें कोई ना कोई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इंटरवीन करता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है कि डॉलर देगा कौन, आपको तो डॉलर चाहिए, तो आप तो क्या ही कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ एंटर करोगे, आपको क्या $1 मिलियन चाहिए, $1 मिलियन दे देना। अब मैं नहीं रिस्क ले रहा 83 85, नो, आप ये बैंक के साथ खेलो, नॉर्मली ऐसा होता है। तो बैंक्स आ जाते हैं फिर बीच में, बैंक के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता हूँ कि मैं 3 मंथ्स बाद, अब वो उनकी मर्जी है, हो सकता है वो 83 का 83 दे दें, मतलब एक होता है ना कि एंटिसिपेट करते हैं कि इकोनॉमिक ना स्टेबल है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं लग रही, रेट मोर और लेस यही रहना है, कह रहे ग्रोथ दिख रही है मुझे तो 84 होगा, 84 दे रहा हूँ मैं आपको। आपकी मर्जी है ना कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है कि नहीं करना, रेट तो बैंक कोट करेगा, आप थोड़ी ना डिसाइड करोगे, बट फ्यूचर डेट का कॉन्ट्रैक्ट है, एंटर आज हो रहा है एट द रेट अग्रीड अपॉन टुडे, रेट आज डिसाइड होगा ट्रांजेक्शन। द एक्सचेंज रेट कोटेड इन फॉरन फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन इज नोन एज द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। जनरली मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आर साइंड ऑन 1 डेट एंड कंप्लीटेड ऑन अ लेटर डेट। टाइम लगता है ना भाई, पैसा सामान आएगा, थोड़ी पेमेंट अभी थोड़ी पेमेंट बाद में, कुछ भी हो सकता है।
फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट बिकम्स यूजफुल फॉर बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर टू रीजंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू एडवर्स चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट. कह रहे हैं बिजनेस करना है, सामान खरीद रहे हैं, सामान बेचना है, उससे पैसे कमाएंगे. एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से पैसे कमाने की हमारी कोई इंटेंशन नहीं है और ना ही उसकी वजह से नुकसान हो हमारा. वो तो फिर एक स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन हो गई ना. आपने एक प्रोडक्ट खरीदा 10 रुपए का, प्रोडक्ट बेचेंगे 12 रुपए का, तो वो हो गया एक बिजनेस. आपने जो प्रोडक्ट खरीदा था 10 रुपए का, वो आते आते ही 12 का हो गया, कर लो बिजनेस. बात समझ आ रही है? तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से आपके लॉसेज हो सकते हैं, बट वो 8 का भी तो हो सकता है. तो कह रहे एक बार बता तू क्या करना क्या चाहता है, सामान बेच के पैसे कमाना चाहता है या एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से पैसे कमाना चाहता है? कह रहा सामान बेच के. कह रहा फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करो. उस चीज से तो दिमाग हटाओगे ना कि एक्सचेंज रेट क्या होगा आगे जाके. फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट बिकम्स यूजफुल फॉर बोथ द पर्पस इज टू मिनिमाइज द रिस्क ड्यू टू एडवर्स चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट और टू मेक प्रॉफिट थ्रू स्पेक्यूलेशन. अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेते हैं कि 3 महीने बाद मैं $1 मिलियन परचेज करूंगा. ये ट्रांजेक्शन होती हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. मुझे कोई पेमेंट वेमेंट नहीं करनी, बट मुझे लग रहा है कि रेट ना बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा और ये मुझे रेट अभी दे रहे हैं 83 का. तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया बैंक के साथ कि 83 रुपीज में $1 मिलियन परचेज करूंगा 3 महीने बाद. अब चल रहा है 3 महीने बाद 86 का, तो बैंक को तो आपको 83 रुपीज में देने पड़ेंगे और वो आप आगे सेल कर देंगे. 3 मिलियन रुपीज का आपका प्रॉफिट हो गया. तो एक स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन भी होती है, बट एग्जीक्यूट करना ना करना आपकी मर्जी है, गिर भी तो सकता है रेट. तो एक तो हो गया प्योरली स्पेक्यूलेशन के लिए. तो तभी तो बना कि आप पैसे कमाना कैसे चाहते हैं, एक्सचेंज रेट वेरिएशन से या बिजनेस करके? बिजनेस करके तो पहला ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, टू मिनिमाइज द रिस्क कि भैया मुझे ये टेंशन नहीं पालनी. दूसरा, मुझे यही टेंशन पालनी है, मुझे काम वाम नहीं करना, मुझे स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन करनी है कि मेरे हिसाब से डॉलर का रेट बढ़ेगा, अभी खरीद लो. बात समझ आ रही है? टेस्ट योर नॉलेज. तो थियोरेटिकली मजेदार चीजें हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. बस नॉलेज से एक आपको टर्म्स पता होनी चाहिए. वन मार्कर की ही इसकी इंपॉर्टेंस है हर एक टर्म की, कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसके कौन कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स, फंक्शंस. जस्ट रीड जनरल बातें हैं, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग इज इंपॉर्टेंट, हेजिंग इज इंपॉर्टेंट, हेजिंग पे अलग से क्वेश्चन आए हुए हैं. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉट मार्केट, वन मार्कर. मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए. नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही बड़ी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना वो सब होता है, मेरिट्स, डीमेरिट, मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, हाउ इज द एक्सचेंज रेट डिटरमिंड. बट चैप्टर इज ओवर.